प्रत्येक और चतुर्थक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकेंडरी द्वितीयक और तृतीयक संरचना के बीच में होते हैं और ये द्वितीयक संरचना के विभिन्न कॉम्बिनेशन के द्वारा बनते हैं। तो मोटिफ जो होते हैं, जो सेकेंडरी या द्वितीयक संरचना है, उनके कॉम्बिनेशन या सम्मिश्रण से कुछ स्पेसिफिक डिजाइंस बनाते हैं, ज्योमेट्रिक ज्यामितीय डिजाइंस बनाते हैं। इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि ज्यामितीय डिजाइन बनती है, तो हम उसे मोटिफ कहते हैं। तो तीन तरह के द्वितीय संरचना के सम्मिश्रण संभव होते हैं, अल्फा अल्फा कॉम्बिनेशन, अल्फा बीटा और बीटा बीटा कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले जो है मोटिफ, जो कॉमन मोटिफ है, हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ, जिसमें दो अल्फा हेलिक्स नॉन हेलिकल रूप प्रिज्म के द्वारा इस तरह जुड़ी होती है कि अंत में एक अल्फा हेलिक्स का एंड टर्मिनस और दूसरे अल्फा हेलिक्स का सी टर्मिनस फ्री हो। दूसरा है बीटा अल्फा बीटा मोटिफ, जिसमें दो पैटर्न बीटा बीटे शीट जो कि सेम डायरेक्शन में रन करती है, अल्फा हेलिक्स के द्वारा जो इंटरवेन करके उसे जोड़ता है, जुड़ी होती है। चूंकि ये एक ही दिशा में रन कर रही है तो सेम ग्रुप एक दूसरे को फेस करते हैं, तो उन्हें प्रतिकर्षण होने के कारण इनके बीच में दूरी ज्यादा होती है। तीसरा फिर हम आते हैं हेयर पिन बीटा मोटिफ या रिवर्स टर्न, या इसे हम बीटा मोटिफ ही कहते हैं, जो कि बीटा बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को के कॉम्बिनेशन को यूज करता है। इसमें दो एंटी पैडल बीटा बीटे शीट्स जो है ये इस बीटा टर्न द्वारा, जो कि एक टाइट टर्न होता है जो सिर्फ चार अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, और उसमें से भी दो अमीनो अम्ल हमेशा ग्लाइसिन और एक जो है प्रोलिन होता है। ग्लाइसिन अपने छोटे साइज के कारण और प्रोलिन अपने दृढ़ संरचना के कारण, क्योंकि ये टाइट टर्न होता है, अपनी जगह से ज़्यादा मूव नहीं करता है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो जो दृढ़ता है वो प्रोलिन अमीनो एसिड प्रोवाइड करता है। इसकी संरचना आप देख रहे हैं हेयर पिन की जैसे होती है, इसलिए हम इसे हेयर पिन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस बीटा टर्न में जो पहले अमाइनो एसिड का जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है वो चौथे अमाइनो एसिड के अमाइन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस तरह ये बीटा टर्न को और अधिक दृढ़ता प्रोवाइड करता है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। ये ज़्यादातर जो बीटा रिवर्स टर्न्स या बीटा बैंड्स हैं, ये प्रोटीन की सरफेस पे बाहर की तरफ पाए जाते हैं। चौथा जो कॉमन मोटिफ स्ट्रक्चर है उसे हम ग्रीक की कहते हैं। ग्रीक की नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो ग्रीक के पॉट्स में जो डिज़ाइन बनती है उसको ये रिजेंबल करता है। इसमें पांच एंटी पैरेलल जो बीटा बीटे शीट्स हैं वो इस तरह लूप रीजन के द्वारा जुड़ी होती है, जिससे आप इसे अगर आप लिखें तो इस तरह की डिज़ाइन बनती है। ये डिज़ाइन ग्रीक के पॉट्स में देखी जाती है। अब हम आते हैं प्रोटीनों की तृतीयक संरचना, जिसे हम प्रोटीनों का त्रिविमीय संरचना भी कहते हैं, जिसमें जो द्वितीयक संरचना के जो संरचनात्मक एलिमेंट है वो फर्दर फोल्ड होते हैं और कॉम्पैक्ट बिल्कुल गोलाकार या लगभग स्फेरिकल संरचना बनाते हैं। तो जब ये इस तरह की संरचना बनाते हैं तो उनमें जो अमाइनो एसिड्स है उसकी साइड चेन्स जो है उनका जो त्रिविम में डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनकी ध्रुवता के आधार पर होता है, जैसे कि अध्रुवीय अमीनो अम्ल वैलिन ल्यूसीन आइसोल्यूसीन मिथियोनिन फिनाइल एलानिन जो है ये प्रोटीन के अंदरूनी भाग में पाए जाते हैं, जल से बिल्कुल दूर। और जो आवेशित पोलर अमाइनो एसिड्स हैं आर्जिनिन हिस्टिडिन लाइसिन एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट ये प्रोटीन की सतह पर पाए जाते हैं जल के कॉन्टेक्ट में, और जो अनावेशित पोलर ग्रुप्स होते हैं जैसे सेरिन थ्रियोनिन एस्पेरेजिन ग्लूटामिन और एरोमेटिक अमीनो अम्ल टायरोसिन ट्रिप्टोफेन ये यूजुअली जो है प्रोटीन की सतह पर पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ये उनके इंटीरियर पार्ट में भी मॉलिक्यूल के इंटीरियर पार्ट में भी पाए जाते हैं। अब डोमेन जो है वो प्रोटीन की तृतीयक संरचना की संरचनात्मक इकाई है, जो कि मोटिफ के विभिन्न सम्मिश्रण से बनता है, और वो विभिन्न सम्मिश्रण जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं, अल्फा अल्फा डोमेन हो सकता है, अल्फा बीटा डोमेन हो सकता है और बीटा बीटा डोमेन हो सकता है। तो जो डोमेन है वो लगभग 100 से 200 अमीनो एसिड्स का बना लगभग गोलाकार संरचना होती है, जिसका डायमीटर 25 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक या एक से अधिक डोमेन हो सकते हैं, और हर एक डोमेन का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। अगर कोई एंजाइम दो या तीन डोमेन का बना है तो उसके हर एक तीन डोमेन के अपने अलग अलग विशिष्ट कार्य होंगे। तो डोमेन ही जो है प्रोटीन की तृतीयक संरचना की संरचनात्मक इकाई है, जो कि मोटिफ के कॉम्बिनेशन से बनता है, मोटिफ जो है वो द्वितीयक संरचना के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा डोमेन, जिसमें हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिफ होता है। ये दो तरह के कॉमन स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, फोर हेलिक्स बंडल जिसमें फोर अल्फा हेलिक्स जो है वो
नॉन हेलिकल रीजन के द्वारा इस तरह जुड़ी होती हैं, और इसमें जो हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स है वो अंदर की तरफ पाई जाती हैं, दोनों जो चारों हेलिक्स हैं उनकी अंदर की तरफ पाई जाती हैं, और चार अल्फा हेलिक्स के बीच में जो इंटरेक्शन एंगल होता है वो 18 डिग्री होता है। इसका उदाहरण है साइटोक्रोम P562। दूसरा जो है अल्फा डोमेन का उदाहरण ग्लोबिन 4, जो कि ग्लोबिन फैमिली के प्रोटीनों जैसे कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये 8 अल्फा हेलिसेस से बना हुआ बंडल होता है जो शॉर्ट लूप से जुड़े हुए होते हैं, और ये इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि एक हाइड्रोफोबिक पॉकेट बनता है जिसमें जाकर हीम ग्रुप अटैच होता है। इनमें अल्फा हेलिसेस में इंटरेक्शन एंगल जो अल्फा हेलिसेस के बीच वो 50 डिग्री होता है। दूसरा जो है डोमेन है वो है अल्फा बीटा डोमेन, जो कि बीटा अल्फा बीटा मोटिव को एक्सप्लॉइट करता है। इसका उदाहरण है अल्फा बीटा बैरल, जो कि बैरल शेप आप देख रहे हो दिखता है। इसमें बहुत सारी पैरेलल बीटा ब्रिटेशी रिसर्वा सेंट्रल रीजन में उपस्थित होती है, और जो बाहर की तरफ अल्फा हेलिसेस से जुड़ी होती है। ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पर दोनों ही बीटा ब्रिटेशीट और अल्फा हेलिक्स के अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स इंटरडिजिटेट करके एक दूसरे से ऐसे इंटरडिजिटेट करके उपस्थित होते हैं जबकि संपर्क में नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है ज़्यादातर जो नोन एंजाइम है उसका जो 10% है उनमें अल्फा बीटा बैलेंस डोमेन पाया जाता है। थर्ड वन है बीटा डोमेन, जो कि बीटा बीटा मोटिव को एक्सप्लाइट करता है, जिसमें 4 से 10 जो एंटी पैलर बीटा बीटे शीट्स हैं वो दो लेयर में इस तरह अरेंज होती हैं कि जो उनकी इस तरह दो लेयर में अरेंज होती है कि उनकी जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन है वो इनके बीच में पाई जाती है, जस्ट लाइक सैंडविच। ओके, तो आप यहाँ पे इसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये व्हाइट वाली फर्स्ट लेयर है बीटा बीटा शीट्स की, और ये पीच वाली सेकेंड लेयर, तो वो एक के ऊपर एक सैंडविच की तरह रखी होती हैं, और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स इन दोनों लेयर के बीच में बरीड होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, जो कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर किसी भी प्रोटीन में अगर वो एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनाए तो मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लेवल टर्शियरी स्ट्रक्चरल लेवल होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि उन प्रोटीन्स में पाया जाता है जिनमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो प्रोटीन की जो चतुर्थक संरचना है उसमें हम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के त्रिविमीय विन्यास का अध्ययन करते हैं, वो किस तरह व्यवस्थित है और किस तरह एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही है। तो वो प्रोटीन्स जो कि आइडेंटिकल सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मोनोमेरिक प्रोटीन्स कहते हैं, और आइडेंटिकल मोनोमेरिक सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं तो हम उन्हें प्रोटोमर्स कहते हैं। ज़्यादातर प्रोटीनों की चतुर्थक संरचना में रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन की सब यूनिट एक एक्सिस के चारों तरफ व्यवस्थित होती है। रोटेशनल सिमेट्री में भी इनमें मुख्यतः चक्रीय सिमेट्री, जिसे हम साइक्लिक सिमेट्री और डायहेड्रल सिमेट्री पाई जाती है। साइक्लिक सिमेट्री में जो उपखानियाँ हैं वो एक सिंगल एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है। ये देखिए आप C2 साइक्लिक सिमेट्री का उदाहरण, जिसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है एक्सिस के दो तरफ 180 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट है। C3 साइक्लिक सिमेट्री में आप देख रहे हो 3 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स एक सिंगल एक्सिस के चारों तरफ जो है वो अराउंड 120 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट है। और डायहेड्रल सिमेट्री में जो है वो n फोल्ड रोटेशनल एक्सिस होती है, मतलब एक से ज़्यादा रोटेशनल एक्सिस होते हैं। उदाहरण के लिए D2 डायहेड्रल सिमेट्री में आप देख रहे हैं 2 एक्सिस है, और जब D2 डायहेड्रल सिमेट्री होती है और 2 एक्सिस होते हैं तो ये 2 एक्सिस जो है एक दूसरे के राइट एंगल पर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह आपने प्रोटीनों में पाई जाने वाली तृतीयक और चतुर्थक संरचना को देखा। फिर इन तृतीयक और चतुर्थक संरचना को जो बंध स्थायित्व प्रदान करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि दुर्बल आबंध